बिहार छात्र संघ की ओर से ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन संघ के संस्थापक गौतम सिंह, जिला अध्यक्ष करण सिंह, महाविद्यालय के वरीय पदाधिकारी डॉक्टर अखिलेश डोगरा, वैशाली ब्लड लाइन परिवार के प्रिंस राज सिद्धांत व डॉक्टर संदीप कुमार सागर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस रक्तदान शिविर में 32 लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान संघ से जुड़े सभी पदाधिकारी एवं छात्रों ने रक्तदान करने आए और शिविर में जिला पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों ने रक्तदान किया। शिविर की अध्यक्षता करते हुए संघ के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम सिंह ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। वर्तमान में युवाओं को बढ़ चढ़ कर रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करके किसी की बेशकीमती जिंदगी को बचा सकते हैं। युवा आने वाले समाज का आईना है। जैसे कि आप देखते हैं बराबर युवा सब में, खासतौर पे जो युवाओं में ब्लड के नाम पर जैसे बोलता है ना कि ब्लड लेना है तो हर घबरा जाते हैं। गांव समाज में गलत मानसिकता फैलाया जाता है लोगों को कि ब्लड इतना खून निकाल लेता हो, ऐसे हो जाता हो, ऐसे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए हम लोग कॉलेज में लगा है ताकि नया जो डोनर है, जो नया छात्र सब जो 18 प्लस के हो रहे हैं और जो फॉर्म भरने आए थे, चाहे हमारे टीम के जो भी छात्र नेता हैं, छात्र पदाधिकारी गण सब हैं, सभी ने डोनेट किया है और बहुत सभी का अच्छा रह रहा है कि डोनेशन करने से कुछ नहीं होता। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, भाई समाज का आईना हम लोग हैं, आने वाला पीढ़ी का आईना है। अगर हम लोग डोनेशन देखते होंगे आप हमेशा की एसकेएम से, चाहे कोई भी सदर अस्पताल, चाहे कोई भी सीबी अस्पताल, बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनका ब्लड के कारण उनका प्राण चला जाता है और बहुत सारे गरीब हैं, बहुत सारे अमीर हैं जो पैसा देके खरीद लेते हैं, जो कि गरीब कहाँ से ला पाएंगे। तो वैसे लोगों की मदद करें और आए हमारे साथ ब्लड डोनेशन करें, जैसे कि युवा सब करें, और हिचकिचाना नहीं है। ब्लड डोनेशन करने से कुछ होता नहीं है, ये आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। 3 महीना पे हमेशा रक्तदान करें, रक्तदान जीवनदान, यही हम लोग का चरितार्थ है। अब यह छात्र संघ का शुरू से मानना है कि हमेशा समाज में वह कार्य अवश्य करते हैं जिससे समाज का भला हो सके, उत्थान हो सके। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।